आज का हमारा टॉपिक आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है, दैट इज एजिंग एंड एंटी एजिंग। क्या प्रोसेस है जो कि एजिंग कॉज कर रहा है, इस प्रोसेस को कैसे स्लोअर किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है, हॉल्ट किया जा सकता है, क्या इंडिकेटर्स हैं जो दिखाते हैं कि अब आपकी स्किन एज करना शुरू हो गई है, क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनको करके आप एजिंग को स्लोअर या फिर रोक सकते हैं, और नन अदर देन व्हाई सर्टेन पीपल लुक सो यंगर एट रियली ओल्ड एज, और क्यों कुछ लोग बहुत जवान उम्र के अंदर, बहुत कम उम्र के अंदर बहुत बूढ़े दिख रहे होते हैं, और क्या ऐसा पैरामीटर्स है या क्या ऐसा टेक केयर है कि कुछ लोग 50 साल के होके भी 25 साल के दिख रहे होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान, यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इफ यू लविंग द कॉन्टेंट, आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ सेंटर्स इन ट्विन सिटीज, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको देख के आपको परेशानी शुरू हो जानी चाहिए कि नहीं हाँ, नाउ माई स्किन इज एजिंग एंड आई शुड प्रॉम्प्टली सी माई डॉक्टर, टेक सम सजेशंस, और मुझे उसको रेमेडीज करने चाहिए। व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद रिंकल्स। रिंकल्स क्या है? झुर्रियां, आपके माथे के ऊपर लाइनें, 11 लाइंस, क्रोस फीट, जब आप स्माइल करते हैं लाइनें पड़ती हैं, रिंकल्स लीडिंग टू डीप फोल्ड्स, जैसे कि लाफ लाइंस, जैसे कि मैरिनेट लाइंस। नंबर टू इज वॉल्यूम लॉस, बढ़ती उम्र के साथ आपकी बोन्स रिजॉर्प्शन में जा रही होती हैं, लॉस ऑफ फैट हो रहा होता है अंडर योर आईज, ओवर योर चीक्स, यू नो द जॉ लाइन, इसकी वजह से थर्ड साइन ऑब्जर्व करते हैं आप, जिसको कहते हैं सैगिंग। फिर आपकी जिल लटकना शुरू, जब आपका वॉल्यूम लॉस हो गया, बोन रिजॉर्प्शन हो गई, तो फिर आपका स्किन लटकना शुरू हो गया, बिकॉज देयर इज नो टेंशन फैक्टर हियर जो कि आपकी स्किन को होल्ड कर रहा है, लटकना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपके फोल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। नॉट टू फॉरगेट टॉकिंग अबाउट योर नेक, नेक लाइंस, यहाँ पे भी वॉल्यूम लॉस हो रहा होता है। व्हाट आर द साइंस ऑफ एजिंग अराउंड आईज, आपके आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ रही हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, डार्क सर्कल्स बन रहे हैं, पफी आईज बन रही हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट लिप्स, पफ के साथ साथ आपके लिप मार्जिन कम हो जाते हैं, आपका पिंक पार्ट ऑफ द लिप कम हो जाता है, वॉल्यूम लॉस हो जाता है। यू नो, अगर आप पिक्चर्स को कंपेयर करें तो आप देखेंगे पहले पिक्चर्स के अंदर आपके बड़े पाउटी लिप्स आ रहे थे, वेल डिफाइंड मार्जिन, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मार्जिन लूज हो रहे हैं। सो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अपियरिंग ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, ताकि वो इसको फिक्स करना शुरू करे, ताकि आप इसके प्रोसेस को स्लोअर और हॉल्ट कर सके। फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करके या अपनी जिंदगी का पार्ट बना के इनको, इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि जब ये साइन एंड सिम्टम्स आपको आना शुरू हो गए हैं, और वो आना किसी भी एज में शुरू हो सकते हैं, आई मीन आइदर यू इन 20s और यू इन 30s और यू इन 40s और यू इन 50s, डिपेंडिंग ऑन योर जीन्स यू कैरी, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, जब भी आना शुरू हो गए हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनको आप फौरन अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें, ताकि आपके एजिंग का प्रोसेस हॉल्ट हो सके या स्लोअर हो सके। सबसे पहले एजिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट योर स्किन एजिंग, नंबर वन इज सनलाइट, वी हैव टू अवॉइड सनलाइट। अगर आप चाहते हैं कि आप एज ना करें, आपकी स्किन एज ना करें, आपको यूवी एबीसी अवॉइड करनी है, बट द रेड पार्ट ऑफ द सनलाइट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द स्किन, सो वेयर अ सनब्लॉक दैट हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज, बिकॉज़ वो आपको यूवी एबीसी से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आपको इंफ्रारेड द गुड रेडिएशन जो है वो आपकी स्किन के ऊपर पड़ने देगा, ताकि आपकी स्किन के अंदर जो एंटी एजिंग वाला एलिमेंट है सनलाइट के साथ मुंसलिक, वो आपको हेल्प करता रहे। सो नंबर वन इज अवॉइड सनलाइट, कीप वेयरिंग सनब्लॉक्स एंड सनग्लासेस। जब हम सनग्लास की बात करते हैं, व्हाई डोंट यू अप्लाई अंडर योर आईज एंड ओवर योर लिप्स, लिप की भी एजिंग को प्रिवेंट कर सकें, और फिर जब हम डार्क सर्कल्स और डिस्कलरेशन अराउंड आईज की बात करते हैं, तो वो सनब्लॉक के साथ प्रिवेंट किया जा सकता है। वेयर सनग्लासेस जो आपके साइड कवरेज दें, और वेयर सनब्लॉक ऑन योर नेक टू अवॉइड एजिंग ऑफ द नेक। नंबर टू, आई विल टेक योर लाइफस्टाइल। अगर कुछ लोगों को आप देखते हैं जो कि अपने 30 साल की उम्र में 50 साल के लग रहे होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर नॉट हैविंग देयर गुड लाइफस्टाइल। और कुछ लोगों को आप देखते हैं जो कि 50 साल की उम्र में 25 साल के लग रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर कैरिंग गुड जीन्स, अलोंग विद दे हैव सम नाइस नॉलेज हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। सनलाइट नंबर वन, नंबर टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या फैक्टर्स हैं जो एजिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं, और क्या फैक्टर्स हैं कि अगर अवॉइड किए जाएं तो आपकी एजिंग रिवर्ट भी हो सकती है। नंबर वन विल बी डाइट, यू आर what you eat, you look what you eat. Number two, exercise. Number three, aapki sleeping habits. Number four, your stress taking abilities. And then why not to just talk about smoking, alcohol. ये सब वो चीजें हैं जो आपको avoid करनी हैं, because ये सब कुछ trigger करता है aging process को. You know, lifestyle के अंदर आपका job की बहुत सारी अहमियत है, because you know there are certain jobs जो आपके expressions बहुत ज़्यादा मांगती हैं, जैसे कि teaching, जैसे कि speech therapy, जैसे कि एक्टिंग, इस सब के अंदर यू मोर प्रोन टू डेवलप योर रिंकल्स। कुछ आपके जॉब्स ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रेस रिलेटेड हैं, जैसे बैंकर्स जॉब हैं, जैसे इंटेलिजेंस अगर आप काम कर रहे हैं, पुलिस के अंदर आप काम कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हैं, एजिंग एक्सेलरेट होगी। इसके अलावा आई विल टॉक अबाउट पोस्चर।
थ्रो सम लाइट ऑन डाइट, क्या डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप एंटी एजिंग करें. मैं एक आपको नॉलेज डिलीवर करूंगी, वो ये कि जब आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट विद फैट, डीप फ्राइड प्रोटीन्स विद फैट, ये सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर AGEs पैदा करते हैं. और AGEs जो हैं वो आपकी स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं जो कि एजिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड AGEs. AGEs को पैदा होने से अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि आप प्रोसेस फूड को कम से कम कर दें. जितने AGEs आप अपनी बॉडी के अंदर पैदा करेंगे, कुछ तो आपके बॉडी के यू नो ऑटोफेगोसाइटोसिस के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाकी आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे जो आपके एजिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे. और फिर आप 30 साल की उम्र में 50 साल के दिखेंगे. आपको थोड़ा बहुत एफर्ट हर चीज में करनी है, तभी आपके प्रोसेस ऑफ एजिंग को हॉल्ट किया जा सकता है. अपने डाइट को मैनिपुलेट करें, और डाइट को आज के लिए मैनिपुलेट ना करें, उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं. द मोर यू ईट प्रोसेस्ड फूड, द मोर यू ईट सैलड्स एंड कुक्ड फूड, द मोर यू एज. द मोर यू ईट लेसर कुक्ड फूड, लेसर प्रोसेस्ड फूड, आपकी एजिंग के प्रोसेस हॉल्ट हो जाता है. यू नो, लेट्स टॉक अबाउट मिठाई, लेट्स टॉक अबाउट जलेबी, लेट्स टॉक अबाउट समोसा यू ईट, लेट्स टॉक अबाउट अ जिंगर बर्गर, लेट्स टॉक अबाउट अ पिज्जा. ये सब आपको आज खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर आप जब 25 साल के होंगे और आप 35 साल के लगेंगे तो आप रिग्रेट करेंगे. तो लाइफस्टाइल आपको चेंज कब करना है? लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है अपने 20s के अंदर. आई मीन आई अंडरस्टैंड कि बच्चे करियर मेकिंग के अंदर होते हैं, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज लॉट ऑफ प्रेशर, यू डोंट गेट इनफ टाइम टू ईट योर यू नो राइट फूड. सुबह लंच मिस कर दिया, कैंटीन से बटर उठाया खा लिया, सोडाज ले लिए, और यू नो जब राइट टाइम है खाने का तो वो नहीं लिया. और चूंकि यू टू बिजी इन योर करियर, आपने सुबह लंच मिस कर दिया, उधर गए बेकरी आइटम्स यू नो चिकन पैटीज, चिकन सैंडविचेस, और ये सारे बेकरी आइटम्स ले लिए, तो बिलीव यू मी ये आपकी बॉडी के अंदर AGEs बन रहे हैं. तो होममेड फूड ऑलवेज प्रेफर्ड चॉइस ओवर यू नो बेकरी फूड्स या रेस्टोरेंट फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स. नाउ व्हाट आर द फूड दैट कैन कीप यू हेल्दी फॉर लॉन्गर? फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, अ होल सम ऑफ प्रोटीन, गुड प्रोटीन. यू नो गुड प्रोटीन्स के अंदर फिश आ गई, सैलमन फिश इज की डेफिनेटली, चिकन आ गया, मटन समटाइम, बीफ समटाइम. इफ यू रिप्लेस योर निहारी, हलीम, पाई एंड नान के कॉम्बिनेशन विद अ गुड सोर्स ऑफ यू नो प्रोटीन विच कैन हैव फिश, चिकन और सम सॉर्ट ऑफ बीफ, ग्रिल बीफ, स्टीम पार्ट ऑफ प्रोटीन और ग्रिल पार्ट ऑफ प्रोटीन विद स्टीम वेजिटेबल्स, एक्सेलेंट फूड. आई एम श्योर अगर आप ये आज से खाना शुरू कर दें तो आप 10 साल के बाद उतने ही दिखेंगे जितने आज का आपकी एज है. और फिर फ्रूट्स के अंदर भी आई एम्फसाइज कि आप फ्रूट जूसेस को अपने फ्रूट के पोर्शन के साथ रिप्लेस करें, बिकॉज आप जब फ्रूट लेते हैं इट हैज अ नाइस फाइबर इन इट, इट्स मोर फिलिंग. जब आप जूस लेते हैं इट हैज मे बी 3 or 4 पोर्शन ऑफ फ्रूट इन इट, वो आपके कैलोरीज को ऑलरेडी 600 पे ले जाता है. तो हमें अपना डाइट अच्छी रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है, बिकॉज हमें मोटे भी नहीं होना. फिर हेल्दी डाइट के अंदर आपका पोर्शन कैलोरी कंट्रोल्ड होना चाहिए. सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्नैक्स, तो स्नैक्स को यानी अपने बर्फी को, समोसे को, जलेबी को, पिज्जा को, बर्गर्स को, बेकरी फूड को, फ्रेंच हार्ट्स को, और वो जो बिस्किट्स बड़े मशहूर बेकरी के यू नो एवरीबॉडी लव्स ईट दैट, उसको अवॉइड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं विद फ्रेश हैंडफुल ऑफ नट्स अनफ्राइड. यू नो यू कैन रोस्ट इट ऑन द पैन जस्ट ड्राई रोस्ट एंड देन यू कैन ईट इट अनसॉल्टेड टू, बिकॉज एक्सेसिव सॉल्ट मेक्स यू एज मोर टू. इसके अलावा अपना फ्लूइड इनटेक ज्यादा करें. हाई फाइबर लो कैलोरी फूड विल बी एक्सेलेंट एडिशन इन योर डाइट. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विल बी एन एक्सेलेंट एडिशन. आपको आयरन भी देते हैं, जिंक भी देते हैं, वो दे हेल्प कीप यू यंगर फॉर लॉन्गर टू. सो देन टॉक अबाउट स्ट्रेस. ऑब्वियसली स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेस है, जॉब में है स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट विल बी अ गुड आइडिया, बिकॉज जब तक आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे आपकी एजिंग का प्रोसेस एक्सेलरेटेड रहेगा, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस दैट अकर व्हेन योर बॉडी इज इन स्ट्रेस और योर ब्रेन इज इन स्ट्रेस. ऑब्वियसली इफ यू कंटिन्यूअसली इन स्ट्रेस यू कैन टेक सम एडवाइस फ्रॉम योर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, एंड यू नो अवॉइडिंग ऑल दोज फैक्टर्स जो आपको स्ट्रेस करते हैं, जिसमें से स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी एक फैक्टर है. इसके साथ वील टॉक अबाउट एक्सरसाइज, बिकॉज you know when you talk about stress management, exercise will help relieve a lot of stresses, improves the circulation of brain too, aur aapko active rakhti hai. Apni zindagi ke andar exercise ko ek zaruri hissa banaye. Exercise ka matlab ye har cheez nahi hai ki aap 80 kilo ke hain aur aapne koi aggressive kisam ki exercises karni hai, because I know wo logon ke liye unmanageable hota hai aur phir log usse discourage ho jate hain. So I appreciate keep the things practical for you taaki aap unko practically apni zindagi ka hissa bana saken. Simple walking will help you keep younger for longer. If you're too pro into exercise, you can go for joggings, you can go for hikings, you can do whatever you like, but exercise. ताकि आपके body muscles काम करते रहें
आपकी बोन स्ट्रॉन्गर रहे, आपकी वैस्कुलैरिटी बढ़ती रहे, बिकॉज एक्सरसाइज आपकी स्किन के अंदर एंजियोजेनेसिस करती है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो आप एजिंग के प्रोसेस को भी रोकते हैं, कीप्स यू हैप्पी फॉर लॉन्गर, रिलीव्स योर स्ट्रेस. सो एक्सरसाइज मस्ट बी एडेड इन योर लाइफस्टाइल, एंड 4 to 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज कर लेना सफिशिएंट होता है. देन टॉक अबाउट स्लीप, अगर आपके स्लीप पैटर्न अच्छे नहीं है तो आपकी एजिंग का प्रोसेस एक्सेलरेटेड है. एटलीस्ट 8 hours जरूर स्लीप प्रॉपर करें, और हर उस फैक्टर को मैनेज करें जो आपके स्लीप के पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है स्लीप हाइजीन, कमरे की लाइट्स को बंद करें, डिम लाइट्स ऑन करें, गैजेट्स को क्लोज करें, स्मोकिंग एल्कोहल आपके स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करता है उसको अवॉइड करें. जो नाइट स्लीप होती है वो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन रेगुलेशन करती है. लैक ऑफ स्लीप leads to dual tone, दो रंग की जिल, dullness, tired looks, appearance of dark circles around your eyes, puffy eyes. Same goes with smoking and alcohol. ये भी आपके you know free radicals body में बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, जिसके साथ आपके dull looking skin होती है, pale looking skin होती है, smoking के साथ discoloration around lips आ जाता है, puffy eyes हो जाती हैं. Smoking और alcohol दोनों आपके mood को destabilize कर देते हैं, और अल्कोहल के ऊपर तो कुछ स्टडीज हैं जो बताती हैं कि वो मूड सप्रेसेंट है, और फिर ऑब्वियसली मूड सप्रेसेंट है, लैक ऑफ स्लीप आ रही है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न है, तो एजिंग भी प्रोग्रेस होगी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर पोस्चर, वो भी आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट है. यू नो हाउ यू सिट, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू टॉक, इट ऑल मैटर्स, बिकॉज इफ यू डोंट सिट स्ट्रेट, यू सिट बेंट, तो फिर आपके नेकलाइंस बन जाती हैं. जनरली अगर आप फ्राम करके रखते हैं यूं या स्माइल करके रखते हैं, उससे आपके रिंकल्स बन जाते हैं. ऑब्वियसली अगर आप किसी कपड़े को यूं चुनर डाल के रख दें, थोड़ी देर बाद देखेंगे उस पर क्रीसेस बनी होंगी, तो फिर आपको आयरन करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए. ऐसे ही स्किन के साथ भी है, अगर आप हर वक्त चुनर डाल के रखेंगे अपने स्किन के अंदर, तो वो पहले फाइन लाइन, फिर मॉडरेट लाइन, फिर स्टैटिक लाइन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर इट नीड्स अ प्रॉम्प्ट अटेंशन और लॉन्गर ट्रीटमेंट सेशंस. देन ओके, योर बेटर नॉलेज ऑफ योर AM PM रूटीन हमने अभी पिछले एपिसोड में डिस्कस किया है. So we can add the link and you can go through what AM-PM routine you should have, because a good knowledge of AM-PM routine will help you keep younger for longer. ठीक है, उसके अंदर हमने discuss भी कर लिया था कि deep cleans, exfoliate, hydrate, protect and correct. इसके अंदर जो key ingredients थे, vitamin C, topical collagen, oral collagen, hyaluronic acid, retinol, और अगर आपकी skin retinol friendly नहीं है तो फिर peptides and growth factor based creams will help maintain the youthfulness in your skin for longer. कुछ चीज़ें इसके अलावा भी ऐड करूँगी जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज यू नो व्हेन यू टर्न योर 18s एंड 19s तो आप सैलॉन विजिट करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए. अ लॉट ऑफ केमिकल फेशियल्स आर नॉट एडवाइज, बिकॉज दे विल इवेंचुअली लीड यू टू मोर ड्राई डब स्किन, यू नो. सो फेशियल्स ओनली इन एक्सपर्ट हैंड्स, डोंट गो फॉर ब्लीचिंग, बिकॉज ब्लीच ओनली रुइंस योर स्किन. सो जस्ट क्विक राउंडअप, उसमें यह है कि अपना सनब्लॉक पहने जब जाएँ, ज़रूर पहने, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, डाइट को इम्प्रूव करें, स्मोकिंग एल्कोहल को क्विट करें, पोस्चर अपना ठीक रखें, स्ट्रेस कम करें, स्लीप प्रॉपरली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, हैव नाइस AM PM रूटीन, एंड यू विल स्टे यंगर फॉर लॉन्गर. थैंक यू वेरी मच.